हेलो बच्चों, हम लोगों ने आज के लेक्चर का नाम रखा है मैजिक ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इस लेक्चर को देखो और उसके एंड में तुम्हें पता लगेगा कि हमने ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी तो हम लोग गॉस लॉ देख चुके हैं। गॉस लॉ में क्या होता है, एक बार जरा सा क्विक रिवीजन कर लें और उसमें एक पॉइंट है जिसको मुझे हाईलाइट करना है। ठीक है, ये गॉस लॉ तुम लोगों ने पढ़ा है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉस लॉ। और गॉस लॉ में टोटल फ्लक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं विच कैन बी हाइपोथेटिकल सरफेस, और उसमें हम टोटल फ्लक्स लिखने के लिए क्या करते हैं, उसके स्मॉल स्मॉल पैचेस डी ए एरिया। ठीक है, फॉर ईच पैच ऑफ एरिया डी ए वी विल कैलकुलेट ई डॉट डी ए, ये उस पैच का स्मॉल एलिमेंट वाले एरिया का फ्लक्स हो गया। ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए और उसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द होल सरफेस, एंड दिस सर्कल साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट द सरफेस इज क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस एंड दिस इज इक्वल्स टू इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें दो बातें क्या इंपॉर्टेंट है, पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये जो लिया है, सपोज ये हमारी सरफेस है उसका एक छोटा सा एरिया लिया dA, तो इस पॉइंट पर ये जो हमारा छोटा सा एरिया उसको हम पॉइंट बोल सकते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E कौन सा फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ऑल द चार्जेस मीन्स चार्जेस इनक्लोज्ड एंड चार्जेस आउटसाइड। ठीक है, दोनों तरह के चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड चार्जेस एंड प्लस, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनसाइड में जितने भी चार्जेस उन सब का सम करेंगे, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम करेंगे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस। ठीक है, अच्छा अब आउटसाइड चार्जेस ये जरा इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी ये पहले मैं एक तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहा हूँ उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। अच्छा, क्यू इनक्लोज्ड क्या चीज़ है, दिस इज ओनली चार्ज विच इज इनक्लोज्ड। ठीक है, जो हमने यहाँ इनसाइड बोला है, ठीक है, ओनली दोज चार्जेस, क्यू इनसाइड का समेशन। ठीक है, सारे चार्जेस विद पॉजिटिव निगेटिव साइन का ध्यान रखते हुए यहाँ पे ऐड करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इससे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमने एक ये गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने Q1 Q2 चार्ज दिया हुआ है, आउटसाइड में Q3 Q4 चार्जेस है। ठीक है, एंड इन द एडजेसेंट फिगर, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, इन द एडजेसेंट फिगर इफ E1 E2 E3 एंड E4 आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएटेड बाय द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड Q4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, E1 E2 ये जो सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर करस्पॉन्डिंग नंबर्स। ठीक है, Q1 की वजह से E1, Q2 की वजह से E2। ठीक, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, इंटीग्रेशन E1 plus E2 dot dA is equals to Q1 plus Q2 upon epsilon naught। ठीक है, चलो राइट साइड में हमने कौन सा चार्ज रखा है, जो इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है, E1 plus E2 हमने charges electric field due to only Q1 Q2 लिखा है यहाँ पर। अगले ऑप्शन में क्या है, E1 E2 E3 थ्री चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट किया है ओवर द होल क्लोज सरफेस, एंड राइट साइड में तो हमने इनक्लोज चार्ज ही रखा है। ठीक, थर्ड क्या है, इसमें ऑल द चार्जेस का जो फील्ड है वो हमने ऐड कर दिया है इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया इज इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो राइट साइड में तो देखो इन तीन ऑप्शन में हमने इनक्लोज चार्ज लिया है। फिर लास्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन है ई थ्री प्लस ई फोर डॉट डी ए इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर मे बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस ऐसे अगर लिखा हो तो समझ लेना कि ये मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक, तो वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है, बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है, एक बार सोचो, जरा पॉज कर लो वीडियो और उसके बाद सोचो। ठीक है, सोच लिया, चलो हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तुम लोगों को अभी मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट किया था उसको देख के क्या लग रहा होगा कि ऑप्शन सी तो करेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है ना, ई वन ई टू हमें इनसाइड चार्जेस के भी फील्ड लेने हैं, आउटसाइड के लिए भी लेने हैं, तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट है। अच्छा, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, ई वन प्लस ई टू, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, और ये डी डी ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है, अगर मैं आउटसाइड वाले जो चार्जेस हैं उनके फील्ड को देखूँ वो फील्ड क्या फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, तो आउटसाइड जो चार्ज है ना उसका देखो, उसका जो भी, अगर मैं इंडिविजुअली सपोज अभी मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ठीक है, मैंने चार्जेस गायब कर दिए, केवल Q3 जो कि आउटसाइड में लोकेटेड है उसके फील्ड का मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन E3 डॉट ds dA,
ठीक है, ये इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। अभी क्या है, इनक्लोज चार्ज जीरो है, अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा अगर मान लो मैं केवल, तो ये इंटीग्रेशन हमारा जीरो है, दिस इज क्लियर। ठीक है, इंटीग्रल ई थ्री डॉट डी ए। अच्छा अब मैं इसी सरफेस में सपोज मैं ओनली क्यू फोर की बात करता हूं, तो क्यू फोर की वजह से क्या होगा, ई फोर डॉट डी ए विल बी जीरो। व्हाई, बिकॉज इनसाइड चार्ज अभी भी जीरो है। ठीक, तो ये दोनों इंटीग्रेशन जीरो है। ठीक, अच्छा अब ये बताओ ये क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इंटीग्रेशन में हमारा एडिशन में ऐसा हो जाएगा ना, मैं इस चीज को ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं कि E3 का ब्रेक करके हमने इंटीग्रेशन लिख दिया एंड E4 का इंटीग्रेशन ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा ये दोनों इंडिविजुअली क्या है, हमने जीरो भी प्रूव करे हैं, तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, अच्छा अब ए और बी के बारे में आ जाओ, ए और बी में क्या है, देखो अगर मैं सी ऑप्शन को मैं इन चारों टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स ओपन कर दूं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं ओवर ऑल द इंडिविजुअल टर्म्स, तो तुम्हें कितने यहां पे टर्म्स मिलेंगे, एक मिलेगा ई वन डॉट डी ए, एक मिलेगा चलो ई टू को तुम चाहो तो इसके अंदर ही रख लेते हैं, बट अभी हमने अलग से लिख दिया, डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई थ्री डी ए। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई फोर डॉट डी ए। ठीक है, सारे वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट हैं, तो टोटल सम हो जाएगा ऑल द, ये क्या टोटल फ्लक्स है, तो राइट साइड में टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कौन सा, इनक्लोज चार्ज, तो क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये दोनों टर्म जीरो हो गए, इन दोनों का सम क्या आया, क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ए, ए करेक्ट हो गया। अब बचता है बी, बी में देखो ई वन ई टू को तो हम अलग कर लेते हैं ब्रेक, और इंटीग्रेशन ई थ्री का अलग लिख लो, और इंटीग्रेशन ई थ्री क्या है, जीरो है, तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, तो ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। ठीक, तो ये हमारा हुआ। अभी हम देखते हैं कि इस गॉस लॉ का हम अब यूज कर रहे हैं किसमें, इनफाइनाइट प्लेट में। ठीक है, और इनफाइनाइट प्लेट में तुम इनफाइनाइट चार्ज शीट तो देख चुके हो, उसमें हमने क्या किया था, एक जरा क्विक रिविजन हो जाए। ठीक है, फिर मैं अपने मेन पॉइंट पर आऊंगा, ये हमारी इनफाइनाइट चार्ज शीट है। ठीक है, दिस इज इंसुलेटेड चार्ज शीट। ठीक है, यहाँ पे हम कंडक्टर अभी नहीं रख रहे हैं, इसमें हमने फील्ड कैसे निकाला था, हमने किस तरह से गॉसियन सरफेस चूज करी थी, ऐसा एक सिलेंडर। ठीक है, और मैंने ऑप्शन बताया था कि इसमें हम मैच पिल बॉक्स एक क्यूबॉइड शेप का भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, बट ये थोड़ा ड्रॉ करना ईजी रहता है, तो मैंने ऐसा बना दिया। अब यहाँ पर क्या किया था हमने, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था कौन कौन सी सरफेस से पास हो रहा था, सपोज दिस सरफेस इज लेफ्ट, दिस इज राइट एंड दिस इज द कर्व्ड, तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या था, जीरो था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियली कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज जीरो एंड फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड राइट, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया था, टोटल हो गया था फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फ्लक्स थ्रू राइट, और दोनों में क्या कर रहा है, फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो एग्जिट कर रहा है, चार्ज अगर निगेटिव होता तो एंटर करता है बोथ साइड्स। ठीक है, तो एग्जिट कर रहा है, तो दोनों साइड में एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या है, जीरो डिग्री है। ठीक है, दोनों ने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, ई इंटू ए, ई इंटू ए बोथ आर पॉजिटिव, तो ये टू ई इंटू ए हो गया, और फिर हमने गॉस लॉ अप्लाई किया, अभी हमने गॉस लॉ नहीं किया है, ये तो फ्लक्स कैलकुलेट किया है। अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारा सर्कुलर एरिया है जिसको कि ये इनक्लोज कर रहा है सिलेंडर, तो वहां पर सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, टोटल इनक्लोज चार्ज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा गॉस लॉ कंप्लीट हो गया, अब यहां से क्या करना था, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया था, क्यू बाई सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है, अब ये क्विक रिवीजन था। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं, अब हमें क्या करना है कि हमें कंडक्टिंग प्लेट लेना है, कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेट लेना है। ठीक है, अच्छा कंडक्टर के बारे में एक मैं बात पहले से बता देता हूं, ये हम लोग बाद में जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे तब हम प्रॉपरली पूरा प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, करंट फ्लो रहेगा तब ये चीज नहीं ट्रू होती है, यानी इन द वायर वेयर करंट इज फ्लोइंग इन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज नॉट होल्डिंग। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा
क्या है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर तो मैं फील्ड जीरो कर दिया मैंने, इसको तुमने ऊपर से चार्ज दिया है, और ये पूरा इनफाइनाइट प्लेन शीट है कंडक्टर, ठीक है, तो इसको मैंने चार्ज दे दिया, ठीक है, इस पर चार्ज दे दिया, अगर अब कोई भी आसपास में कोई इसके विसिनिटी में अदर चार्जेस नहीं है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किधर होगा, क्या ओनली वन साइड, नो, ठीक है, चार्ज शुड रिपेल ईच अदर, तो वो दोनों तरफ इक्वली जितना मैक्सिमम अपने को स्प्रेड कर सकता है उतना स्प्रेड करेगा, एंड बिकॉज देर इज नो इरेगुलरिटी ओवर द सर्फेस सो द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इट सेल्फ होमोजीनियसली, ठीक है, तो यहाँ जितना सिग्मा है उतना ही सिग्मा यहाँ पर है, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ जैसे हमने पहले अप्लाई किया वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हमने ये गॉसियन सर्फेस ले ली, ठीक, ये गॉसियन सर्फेस लिया, अब इसमें कर्व्ड सर्फेस को तो हम कर देते हैं जीरो फ्लक्स, ठीक है, केवल लेफ्ट एंड राइट है, लेफ्ट एंड राइट है तो फिर इस पे बात करो यहाँ पे कितना फ्लक्स आएगा, सिमिलर वे में फाइ लेफ्ट प्लस फाइ राइट इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह से है, ई एरिया ए, एरिया ए, ठीक है, ई ए प्लस ई ए लेफ्ट एंड राइट। अच्छा अब हम आते हैं क्या, टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज अपॉन, ठीक है, इनक्लोज चार्ज यहाँ पे लिखेंगे तो इनक्लोज चार्ज यहाँ पे कितना है, इस सरफेस पर भी सिग्मा, इस सरफेस पे भी सिग्मा, ठीक है, तो टू सिग्मा ए, ठीक, सिग्मा ए यहाँ पर, सिग्मा ए यहाँ पर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई ए टू टू कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, नाउ व्हाट इज ए, ई इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई भी बात नहीं है, तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, चार्ज डबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डबल हो गया, इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता तो वो कितना होता, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल सिग्मा जो सरफेस है, सिंगल सिग्मा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है, और इधर वाला जो चार्ज है उसकी वजह से भी इस पॉइंट पर अगर मैं देख रहा हूं तो दोनों की वजह से कि आउटसाइड की तरफ राइट वर्ड होगा तो दोनों चार्जेस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ठीक है, तो यहां तक तो बड़ा ऑब्वियस है, ठीक। अच्छा अब देखो, अगर मैं एक काम करता हूं क्या कि मैं अपनी गॉसियन सरफेस ऐसे बनाता हूं, ठीक है, गॉसियन सरफेस में मैंने क्या किया, हाँ, ये गॉसियन सरफेस जाकर के इस कंडक्टिंग सरफेस के जो थिकनेस है, ठीक है, उसकी अपनी जो थिकनेस है उसमें जाके एंड हो गई, यानी कि दिस जो जो सरफेस इसकी लेफ्ट वाला जो एंड है, लेफ्ट एंड लाइज टोटली इनसाइड द मेटल, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। अब कंडक्टर में क्या है, फील्ड जीरो है यहां पर। अब इसके लिए जरा मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं, तो गॉस लॉ में मेरे पास फाइ लेफ्ट प्लस फाइ कर्व्ड प्लस फाइ राइट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई किया, तो अब फ्लक्स थ्रू लेफ्ट, लेफ्ट पॉइंट में लेफ्ट जो एंड है उसका हर पॉइंट, ईच ऑफ द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द कंडक्टर एंड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट, तो फ्लक्स एट द लेफ्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से जीरो हो गया। अच्छा कर्व्ड सरफेस में, कर्व्ड सरफेस में कुछ पार्ट तो इनसाइड है तो वहां तो फील्ड ही जीरो है, और जो पार्ट आउटसाइड है वहां पे फील्ड टेंजेंशियल है, तो कर्व्ड सरफेस का भी जीरो हो गया। अब राइट साइड का क्या हुआ, तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था। अच्छा अब क्यू इनक्लोज देखते हैं, क्यू इनक्लोज इस हमारी फिगर में कितना है, क्यों इसमें केवल ये राइट साइड में जो सरफेस है वही इसके अंदर आ रही है, लेफ्ट साइड वाली जो सरफेस है चार्ज डेंसिटी है वो हमारी इनक्लोज नहीं, वो आउटसाइड है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्यू इनक्लोज हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इनक्लोज इज सिग्मा सिग्मा इनटू ए व्हिच इज ओनली ऑफ द राइट साइड, ठीक। अब देखो मैंने गॉस लॉ जब लिखा तो राइट साइड में कौन सा चार्ज लिया, इनक्लोज चार्ज, केवल वन सरफेस का चार्ज लिया, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये किसकी वजह से होगा, दिस फील्ड विल बी ड्यू टू, पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम रखते हैं इंटीग्रेशन में वो कौन सा होता है, दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यानी कि ये इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज दोनों की वजह से फील्ड आ गया, देखो मैच कर रहा है आंसर, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ये केवल एक चार्ज जो राइट वर्ड जो इंक्लूड हुआ था इस सरफेस के अंदर केवल उसकी वजह से, अगर उसकी वजह से ओनली होता फील्ड तो फिर तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आता, बट यहाँ पे तो ये फील्ड हमारा इस बाहर वाले चार्ज के फील्ड को भी अकाउंट कर रहा है, दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट है वही रिजल्ट यहाँ पे दिया, ठीक है,
चलो अच्छा, तो ये मैंने इतना समझाया। अब ये बताओ कि तुम लोग के माइंड में कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं है? तुम लोगों के माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। जब मैंने तुम्हें बताया कि शुरू में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है इस इंटीग्रेशन के इनसाइड में, दैट इज़ ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ऑल द चार्जेस आउटसाइड में तो पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में हम कहाँ तक करते रहेंगे चार्जेस, कितने चार्जेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज हमारा, ये तो चलो दिख रहा था कि यहीं बगल में रखा हुआ है, और इसके बाहर कितने चार्जेस हैं, हम ये कहाँ तक इंश्योर करेंगे कि इनफाइनाइट तक में कोई और चार्ज नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करेगा, फिर क्या होगा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मेरा एक स्टूडेंट था, एक छोटे से गांव से आया था वो, और यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में वो मेरे कोचिंग में आया था, ठीक है। उसकी एक नेचर थी, वो हर चीज़ में जहाँ पे भी उसको कोई डाउट होता था तुरंत उसका हाथ खड़ा हो जाता था, सर मुझे एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे उसको पढ़ाने बड़े हो जाता था, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते थे उनसे मुझे भी सोचने के लिए एक नई चीज़ें मिलती थी कि मैं इस चीज़ को सोच के आंसर करूँ, ठीक है। तो अब उसका क्वेश्चन क्या था, देखो उसने पूछा, सर यहाँ पे इतने सारे चार्जेस हो सकते हैं, केवल यही चार्ज नहीं है, बाहर और भी तो चार्ज हो सकते हैं, तो अगर मान लो कोई और चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है तो तब भी आप यही बोलोगे क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस है? हाँ, ऐसा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर जीरो चार्ज मानूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने कोई और चार्ज रख दिया तो आपके हिसाब से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड कंटेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ऑल्सो, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर यहाँ पे कुछ और चार्ज आ जाए तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एडिशनल आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर चेंज क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, फिर मैं अगर मान लो ऐसे तो मैं बहुत सारे चार्जेज यहाँ रख सकता हूँ और मैं तो यहाँ के फील्ड को चेंज कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ी कि वो अनअफेक्टेड रहेगा, तो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को सोचो जरा कैसे आंसर किया जाए कि क्या हमारा जो हमारा फॉर्मूला है गॉस लॉ का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंटीग्रेशन इज इट टेक्स केयर ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन द होल यूनिवर्स, फिर तो ये हमारा जो रिजल्ट है ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सोचो। तो देखो आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि हमने जिस तरह की चार्ज असेंबली के लिए ये फील्ड निकाला उसमें हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। क्या अजम्पशंस लिए हैं? हमने ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म अज्यूम करी है, ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म अज्यूम करी है, ठीक है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। अब अगर मान लो यहाँ पर कोई चार्ज हम अलग से रख दें, ठीक है, कुछ और चार्ज यहाँ पर ले आए, तो हमारा ये जो असेंबली है ये असेंबली डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सिग्मा हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, फिर हमने जो कैलकुलेशन करी है वो सारी कैलकुलेशन फिर इनवैलिड हो जाएगी, तो हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है गॉस लॉ में, अगर हम अपने कायदे से सब चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, जो अजम्पशंस हैं उन पर हम ध्यान रख रहे हैं, तो हमें हमेशा रिजल्ट सही मिलता है। और इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये बाहर वाले चार्जेस को भी अकाउंट में रखता है, ठीक है, उसको भी टेक केयर करता है। और एक और चीज़ देखो ये जो बाहर का जो ये जो चार्ज है, ये चार्ज हमारा इस चार्ज से अनअफेक्टेड नहीं है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? देखो ये जो इनसाइड में हम अगर पॉइंट देखें, इनसाइड द मेटल, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अगर मैंने इस कंडक्टर को सपोज चार्ज ऐसे दिया था, ठीक है, तो ये चार्ज मैंने सपोज इसको 10 कूलम चार्ज दे दिया, ठीक है, अब ये 10 कूलम चार्ज इस पर किस तरह से स्प्रेड होगा? सपोज इसमें इसके नेबरहुड में या इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये चार्ज फ्री रीजन में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। अब वहाँ पर हमने इसको 10 कूलम अगर चार्ज दे दिया तो यूनिफॉर्मली बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, ठीक है, क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर तुम्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा? जब इस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ और जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट हुआ, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट करें, ठीक है। तो ये हमारा ये फैक्ट इसमें इंक्लूडेड है, क्या कि ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तभी पॉसिबल है जब इसके आसपास में कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है,
ठीक है, और अगर कोई और चार्ज प्रेजेंट हुआ तो हमारी कैलकुलेशन जो हमने करी है वो फिर इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, फिर वो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कैलकुलेशन, उसमें हम लोग फिर इंटीग्रेशन करके बेसिक जो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू स्मॉल स्मॉल कूल उसके एलिमेंट लेकर के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ठीक है, दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, और उसके लिए हमें हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर की जरूरत पड़े इंटीग्रेशन करने के लिए रियल लाइफ सिचुएशन में, तो निकाला जा सकता है। बट गॉस लॉ फिर वहाँ पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगा। गॉस लॉ वैलिड रहेगा बट हेल्पफुल नहीं रहेगा। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।